हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि सर्दियों में मॉर्निंग वॉक कैसे करनी चाहिए। सर्दियों में आपको काफ़ी चीज़ों का विशेषकर याद रखना चाहिए। सर्दियों में घूमने से पहले आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आप एक घूमने का आनंद भी ले सकें। अगर आप पूरे किट नहीं पहनते हैं तो आपको सर्दी भी लग सकती है। सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना एक बहुत अलग ही एंजॉय है। हेलो दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि सर्दियों में कभी भी कुत्तों को नहीं घुमाना चाहिए जब तक धूप ना निकले। देखो कितनी सर्दी है, कितना कोहरा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। मैं यहाँ पर सुबह लाइव फोटो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को सुबह विशेषकर याद रखना चाहिए, जब भी आप मॉर्निंग वॉक पर निकलें तो कुछ पूरी बाजू के कपड़े पहन कर निकलें, जिससे आपको सर्दी ना लगे। अगर आपको सर्दी लग सकती है तो आप बीमार भी हो जाते हैं और आपको काफ़ी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का विशेष याद रखना चाहिए कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने से पहले आपको क्या करना चाहिए। सर्दियों में रोड पर काफ़ी कोहरा रहता है। कोहरे में आपको विशेषकर एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आप जब भी घूमने निकलें तो पूरी किट के साथ निकलें, जिससे आपको कोहरे से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। कोहरा में आपको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि कोहरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष याद रखना है कि कोहरे में जब भी निकलें तो पूरी बाजू के कपड़े पहन कर निकलें, जिससे कोहरा में आप घूमने का पूरा आनंद ले सकें। अगर आपके हाथ या पैर सिंपल है, मीन्स आपने चप्पलें पहन रखी हैं या सैंडल पहन रखे हैं, तो आपको काफ़ी परेशानियाँ, मतलब काफ़ी सर्दी लग सकती है। तो दोस्तों, सुबह मॉर्निंग से पहले आपको पूरी किट पहन कर ही निकलना चाहिए। और सर्दी में इतना आनंद आता है कि आपको कहीं पर भी इतना आनंद नहीं आएगा। आप सर्दियों में इतना आनंद ले सकते हैं और आपकी बॉडी भी इतनी फिट रह सकती है। तो दोस्तों, अब आपको सर्दियों में घूमने से पहले पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए, जिससे आप घूमने का प्रॉपर आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देंगे, और नई वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।